हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर हैं एक और वीडियो में। अब कल की वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्रभास ने अपना आदि पुरुष का जो मुंबई शेड्यूल है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नाउ इज बैक टू हैदराबाद। अब उसके बाद कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि क्या कंप्लीट शूटिंग प्रभास ने अपनी खत्म कर ली आदि पुरुष की, तो ऐसा नहीं है। अभी शूटिंग काफी बाकी है, उसको फिर से कब ज्वाइन करेंगे वो नहीं पता, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वहां आदि पुरुष की शूटिंग चल रही है और प्रभास भी इसको जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, हमको लगता है अक्टूबर में ही शायद करेंगे। अब जैसा होगा हम आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में। लेकिन कल कहीं वीडियो में हम लोग एक और चीज डिस्कस कर रहे थे कि इस वाला जो सलार का शेड्यूल होने वाला है उसमें प्रभास का लुक कैसा होने वाला है, मतलब वो क्या वो फुल बियर्डेड अप में होते हैं या फिर वो थिक मुस्टैच वाला जो लुक था, जो फर्स्ट लुक था उसमें होते हैं। और कल ही एक और पिक्चर वायरल हो रहा था जिसमें प्रभास और राणा डग्गुबाती यानी कि बाहुबली एंड भलाल देव दोनों बहुत टाइम के बाद एक साथ एक फ्रेम में फुल इन व्हाइट दिख रहे थे। और उसके बाद उसमें तो फुल यही लग रहा है कि प्रभास इज अटेनिंग, इस पिक्चर को देख के तो कम से कम एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि यही लग रहा है कि ही इज नाउ अटेनिंग द फुल बियर्डेड अप लुक ऑफ सलार, जो कि उनका पिछला था जो आपने श्रीदेवी सोडा सेंटर में या फिर जो पिक्चर्स वायरल हुए थे उसमें आपने देखा होगा। तो वही लुक को अटेन करने वाले हैं प्रभास। और बाकी तो वो जब सेट्स पे ज्वाइन करेंगे तो पिक्चर्स वगैरह लीक होते ही हैं बहुत सारे पिक्चर्स, तो हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा लुक में एक्चुअली वो होने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल हुआ था तब भी उनके पिक्चर्स लीक हुए थे, सेकंड शेड्यूल में तो भर भर के पिक्चर्स लीक हुए थे, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा लुक है और क्या। जैसे एग्जैक्ट डेट पता चलेगा जैसे कि हम आपको बताए हैं कि कौन से डेट पे वो ज्वाइन करने वाले हैं, कितने दिन का शेड्यूल होने वाला है। आगे जो भी अपडेट आएगा सलार के बारे में आपको जरूर बताएंगे। ऑन द अदर हैंड कल प्रभास की लैम्बोर्गिनी ट्रेंड करी थी। यस, जो उनकी ऑरेंज लैम्बोर्गिनी थी जो उन्होंने लास्ट ईयर खरीदी थी उसको पूरा तरह से मैट ब्लैक में रैपिंग कर दिया गया और वो ट्रेंड कर रहा था। मतलब बताओ, लैम्बोर्गिनी जल्दी इतना शोर नहीं मचाती है, इतना शोर जनरली नहीं मचाती है, बट ये लैम्बोर्गिनी कल बहुत शोर मचा रही थी और हर जगह ट्रेंड कर रहा था। मतलब इनका कार ट्रेंड कर रहा है प्रभास का। दिस शोज द पॉपुलैरिटी एंड द मेगा स्टारडम और जो जिस तरह का फैन बेस है, जिस तरह का क्रेज है इनकी एक एक चीज छोटी से छोटी चीज को लेके, हालांकि लैम्बोर्गिनी इट्स अ बिग थिंग बट फिर भी कार को लेके इतना क्रेज, मतलब इट्स अनपैरेलल। और देखिए जहां तक ब्लैक का बात है, ये ब्लैक जो है मेरा फेवरेट कलर है। यस, बेस्ट ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। और उस पर जब मैट ब्लैक हो जाए ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत ही सेक्सियर लग रहा है और एक क्लासी बना देता है उसको। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था और ऐसा लग रहा है उस पिक्चर से कि प्रभास जो है फुल बियर्डेड अप वाला ही सलार का लुक अटेन करने वाले हैं। बाकी जैसे टाइम आएगा हम आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल राधे श्याम पे जितने लोग अपडेट मांग रहे हैं अभी तक कोई अपडेट नहीं मेरे पास, जैसे होगा बताएंगे। हाँ, प्रभास की जो अपकमिंग मूवीज पे सब कोई सवाल पूछ रहे हैं उस पर हम एक वीडियो कल लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल जाए। और कुछ बात करनी है इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।